और गालिकांड के बाद दयाशंकर की पहली तस्वीर समाचार पत्र पर। जी हां, दयाशंकर की पहली तस्वीर भगवान भोले के दर पर दयाशंकर हैं। देवघर में दयाशंकर भगवान भोले के दर्शन कर रहे थे। पुलिस दयाशंकर की तलाश करती रही। दयाशंकर को अभी तक पुलिस तलाश नहीं कर पाई है। सोशल मीडिया पर दयाशंकर की तस्वीर जो है वो शेयर की गई है। 23 जुलाई की तस्वीर बताई जा रही है। सीजीएम कोर्ट ने दयाशंकर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है, लेकिन गिरफ्तारी पर रोक के लिए दयाशंकर ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई है। तो गालीकांड के बाद तस्वीर दयाशंकर की समाचार पत्र पर। और गिरफ्तारी पर रोक को लेकर दयाशंकर ने याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। गिरफ्तारी पर रोक की मांग इस याचिका में उठाई गई है। सीजीएम कोर्ट ने दयाशंकर की गिरफ्तारी को लेकर वारंट जारी किया है। दयाशंकर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। मायावती के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में ये वारंट जारी हुआ है, लेकिन गिरफ्तारी पर रोक को लेकर दयाशंकर ने भी याचिका दाखिल की है हाईकोर्ट में, क्योंकि सीजीएम कोर्ट ने दयाशंकर की गिरफ्तारी को लेकर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। तो ये पूरा मामला गालीकांड का है, जब बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर दयाशंकर ने अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद इस मामले पर तमाम बवाल हुआ और बीजेपी ने तुरंत दयाशंकर को पार्टी से निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस दबिश दे रही है, छापेमारी की जा रही है।